नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवझायाण नमो लो हे सो पांच नामो पारो सावा पावा पणाशनो मंगलानां च सावे सिंह परमां हावै मांगलं। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। जाग मानव जारही अनमोल जिंदगी, जाग मानव जारही अनमोल जिंदगी, कब करेगा कब करेगा सजग प्रभु की बोल बंदगी। जाग मानव जारहे अनमोल जिंदगी, मैल सब तन का उतारा खूब करके स्नान, खूब करके स्नान, मैल सब तन का उतारा खूब करके स्नान, खूब करके स्नान, किंतु अंतःकरण तेरा रहा सदा ही मलान, रहा सदा ही मलान, हटाएगा हटाएगा दूर कब तू हृदय गंदगी। जाग मानव जारहे अनमोल जिंदगी, जाग मानव जारहे अनमोल जिंदगी, हाथ हीरा आ गया है क्यों खो रहा नादा, क्यों खो रहा नादान, हाथ हीरा आ गया है क्यों खो रहा नादान, खो रहा नादान, दृष्टि अंत खोल कर तू कर जरा पहचान, कर जरा पहचान, चुभगी यह शूल सी दिल में शर्मिंदगी।
जाग मानव जा रही अनमोल जिंदगी, जाग मानव जा रही अनमोल जिंद, जोड़ ले माया तू कितनी, कुछ न जाता सा, कुछ न जाता साथ, जोड़ ले माया तू कितनी, कुछ न जाता साथ, कुछ न जाता साथ, छोड़ कर जाना पड़ेगा, विश्व खाली हाथ, विश्व खाली हाथ, क्या पता, क्या पता हो जाए कब जग से रवानगी, जाग मानव जा रही अनमोल जिंदगी, जाग मानव जा रही अनमोल जिंदगी, कब करेगा सजग प्रभु की बोल बंदगी, जाग मानव जा रही अनमोल जिंदगी, जाग मानव जा रही अनमोल जिंदगी। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। चकवाटी माहिडियो संते संते करे लोए, पतो गाई मानु तरम। परम श्रद्धे परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान एवं पाठ पर विराजमान जिन शासन सूर्य उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से काफी समय से प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर की देशना जो अपने समव शरण में वो जराजा जित शत्रु को, आनंद को, वाणिज्य ग्राम के लोगों को उपासक दिशांग के विषय में समझा रहे हैं और उपासक दिशांग के विषय के अंतर्गत 12 व्रतों का स्वरूप समझा रहे थे, कल हमने वो 12 व्रतों के स्वरूप को समझ कर समाप्त किया है। आज प्रभु आनंद को, आनंद के माध्यम से समव शरण में बैठे सभी लोगों को संलेखना संथारा का अर्थ समझाएंगे, उसके स्वरूप के बारे में समझाएंगे कि अब समव शरण की रचना हो गई है, सभी लोग आकर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ 12 व्रतों का स्वरूप समझने के बाद अब जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से आगे पूछते हैं कि आगे प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है। तो जैसा सुधर्मा स्वामी ने भगवान के मुखारविंद से सुना होता है और वैसा ही अपने शिष्य को सुनाने का प्रयास करते हैं और उधर प्रभु महावीर संलेखना संथारा का बताते हैं और इधर सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी की ज्ञान विपासा को देखते हुए उसे शांत करने के लिए उसे भी उस संलेखना संथारा का अर्थ समझाते हैं।
ये जीवन जो है ये दो चीजों के मेल से मिला है, एक जीव है और दूसरा शरीर है। जीव और शरीर जब मिलते हैं तो आपको जीवन मिलता है। जो ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानने वाला है, प्रभु को मानता है, जिसे हम आस्तिक भी कह सकते हैं सनातन धर्म की दृष्टि से, वो कहता है कि जो मुझे ये जीवन मिला है ये ईश्वर की अनंत कृपा है, उसी की देन है, उसी ने दिया है। जब अंत समय आता है तो वह यही कहता है कि जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जहां वो रखना चाहेगा, जहां वो ले जाना चाहेगा ले जाएगा। परंतु हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं कहता है। यूं नहीं कि वो परमात्मा को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, परंतु वह एक बात कहता है कि ईश्वर की, परमात्मा की लेखनी भी कर्म के विपरीत नहीं चल सकती। कर्म के विपरीत वो ईश्वर परमात्मा भी कुछ नहीं लिख सकता है, वो भी कर्म के अधीन है। जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है उसे वैसा ही लिखनी में लिखना पड़ेगा और वैसा ही वो फल भोगेगा। ये कर्म को प्रधानता देता है, कर्म को महत्व देता है कि जैसे आप दिया जलाते हैं, उसके अंदर तेल डालते हैं, तो समय आने पर वो धीरे धीरे तेल समाप्त हो जाता है और वो दिया बुझ जाता है। इस दुनिया से, इस संसार से, इस लोक से सभी ने जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही चले जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में आते ही चले जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो युवावस्था भोगते हैं, वृद्धावस्था भोगते हैं, प्रौढ़ अवस्था को देखते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि उनका भी जीवन रूपी दया, जीवन रूपी दिया, सांस रूपी तेल एक दिन धीरे धीरे समाप्त होकर उनके भी जीवन का दिया बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। विचार करने लायक बात है कि जब हमने चले जाना है, इस संसार को छोड़ देना है, तो फिर आसक्ति किस बात की, किस चीज की? आसक्तियों में हम उलझे हुए हैं। अभी हमने पीछे सुना कि कोई शरीर की आसक्ति में उलझा हुआ है। आसक्ति और रक्षा दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। कि मैंने पहले बताया था कि जो भोगी है, भोगों को भोगने का इच्छुक है, जो वासना में आसक्त रहता है, ग्रिद्ध रहता है, गड़ा रहता है, वो अपने शरीर को इसीलिए पालता पोसता है ताकि वो कमजोर ना हो जाए, शिथिल ना हो जाए, उसे भोग भोगने में कोई समस्या ना आए। परंतु जो महापुरुष है, जो संत है, जो पांच महाव्रतधारी है, जो 12 व्रतों को ग्रहण कर चुका है, या जो ग्रहण करने की इच्छा रख रहा है या चिंतन कर रहा है, वो अपने केवल शरीर की रक्षा करता है, केवल इसीलिए ताकि वो धर्म धर्म कर सके। संत भोजन धर्म के लिए करता है और भोगी भोजन भोग भोगने के लिए करता है, योगी योग करने के लिए भोजन करता है, वस्त्रों को पहनता है। अब यहाँ वस्त्रों की बात आती है। संत भी वस्त्र पहनता है, संसारिक लोग भी वस्त्र पहनते हैं, परंतु संत को अपने वस्त्रों पर कोई आसक्ति नहीं होती है। परंतु यहाँ एक बात और समझने वाली है, आप अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, परंतु यदि आपका वस्त्र गंदा हो जाए, मैला हो जाए, फट जाए, जीरन शीरन हो जाए, तो आपको दुख भी उस वस्त्र के फटने का, गंदे होने का होता है। तो आपने नया नकोर वस्त्र पहने और कहीं दाग लग जाए, कहीं कुंडी लग जाए, यहां से कहीं से छेद हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? बुरा लगता है, मन दुखी होता है, परेशान होता है।
परंतु जो संत है वो केवल अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उन वस्त्रों को धारण करता है, संभाल कर इसीलिए रखता है ताकि उसे अधिक वस्त्रों को ना लेना पड़े, ना ग्रहण करना पड़े, परिग्रह की आसक्ति ना हो, परिग्रह के कारण उसे अनेक वस्त्रों को संभालना ना पड़े, इसीलिए वो बचता है। सोच है, दृष्टि है, अपना अपना विचार चिंतन का ढंग है। परंतु यदि आप ये सोचें कि मैंने अपनी आत्मा के लिए आज तक क्या किया है, यही इस संलेखना संधारा में समझाया गया है कि आसक्ति नहीं रखनी है, कि एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि एक किसान है, किसान ने फसल बोई है, फसल उगती है, वो उसे काटता है और बाजार में जाकर बेचता है। क्यों बेचता है? उसने अपना गुजारा करना है, अपने परिवार का गुजारा करना है। अब वो उसने वो किसान ने अपना वो सामान बेच दिया है, उसे आमदन अच्छी होती है, उससे वो दो बैल खरीदता है, दो सुंदर सुंदर बैल खरीदता है, अपने घर लाकर खड़े कर देता है और कुछ पैसों से वो एक सुंदर गाड़ी बनाता है ताकि आने वाले समय में जो वो फसल बोएगा, वो फसल उगेगी, उसे बाजार में लाने के लिए, बेचने के लिए, ले जाने के लिए कोई असुविधा ना हो, किसी से कोई सामान मांगना ना पड़े, इसीलिए वो दो बैल और एक बहुत सुंदर गाड़ी बनाता है। अब उसने सुंदर गाड़ी बना ली, घर में रख ली, उसे देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है, खुश होता रहता है कि कितनी सुंदर गाड़ी बन गई है। परंतु जब फसल उगती है, काटने का समय आता है, वो काटता है, परंतु वो उसी आसक्ति में लगा हुआ है कि यदि मैंने इस गाड़ी पर सामान लादा तो इसके टायर कीचड़ में गंदे हो जाएंगे, इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे, इसका पेंट उतर जाएगा, इसका सामान खराब हो जाएगा, वो उस आसक्ति से उसे निकालता नहीं है। परंतु समय आने पर आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, वो खड़े खड़े भी वो चीज खराब होनी है। आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपने इतनी मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से, बड़ा पैसा खर्च करके आपने अपना घर बनाया है, उस घर में रहने के लिए आपने कमरे बनाए हैं, कितनी आसक्ति से बनाया है, देख देख कर हम भी खुश होते रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि घर अपने स्थान पर खड़ा रहता है और व्यक्ति उस घर से निकलकर परमात्मा के द्वार पर चला जाता है। अब वो चला तो गया है, परंतु वो आसक्ति घर की उसके साथ गई है, वो चीजों का, वो जड़ चेतन वस्तुओं का मोह, आसक्ति, विषय विकार वो उसके साथ चले गए हैं। तो उसका जीवन जो 84 लाख जीव योनियों को भोगने के बाद मिला है, तो वो अपने उस जीवन से कोई लाभ नहीं उठा पाया है। यदि हम कंपैरिजन अपना अपने जानवरों से करें तो हमारे से जानवर ज्यादा अच्छे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता है, वो कहीं पर छाया देखते हैं, कहीं पर जगह देखते हैं, वहीं पर रहन बसेरा कर लेते हैं, रात गुजार लेते हैं। परंतु धीरे धीरे जब उसे कहीं से कुछ मिलने लग जाता है, दूध रोटी मिलने लग जाती है, तब उसकी भी आसक्ति उस घर से बंद जाती है। बात आसक्ति की आती है कि जब जब हम जिस जिस की आसक्ति में बंधे रहेंगे, तब तक हमारा आवागमन का चक्कर लगा रहेगा कि हमने अपने अंदर से आसक्ति को खत्म करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता को खत्म करना है। जब हमारे अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता खत्म हो जाएगी, शरीर की आसक्ति नहीं रहेगी, वस्त्रों की आसक्ति नहीं रहेगी, तो वहीं धीरे धीरे राग द्वेष भी हमारे अंदर से खत्म होता जाएगा, और जब राग द्वेष खत्म होता जाएगा तो कर्म बंधन भी खत्म होता जाएगा। वहां एक स्थिति पैदा होती है कर्म निर्जरा की। जब व्यक्ति के कर्म ही खत्म होंगे तो मुक्ति उससे दूर नहीं है। यहां पर तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक है तीन प्रकार की दीक्षा स्थवीर बताए हैं। स्थवीर का अर्थ यहां पर वृद्ध का लिया है। एक दीक्षा स्थवीर है, एक वय स्थवीर है और एक है श्रुत स्थवीर, कि जिसकी 20 साल की दीक्षा हो जाती है और जिसे
आचारांग जी का, स्थानांग जी का आदि शास्त्रों का अध्ययन होता है उसे श्रुत स्थविर कहते हैं, और जिसकी 60 साल से अधिक दीक्षा हो जाती है उसे वय स्थविर कहते हैं। ये वय स्थविर मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो वय स्थविर होता है, जिसकी 60 साल से अधिक दीक्षा हो जाती है, वो अपनी मर्जी से एक कल्प यानी एक महीने से अधिक एक स्थान पर रह सकता है, क्योंकि उसे आसक्ति नहीं है। 60 साल की दीक्षा पर्याय में उसने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, इसीलिए उसे एक स्थान पर एक जैसे लोगों से कोई आसक्ति नहीं होती है। वो अपनी मर्जी से वहां रह सकता है, आ जा सकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की एक मर्यादा कर ली है, अपने मन को समझा लिया है, तब उसे ये चीजें परेशान नहीं करती। जब हम भी 12 व्रतों का स्वरूप समझ लिया है, पौषध व्रत धारण कर लिया है, अनर्थ दंड वीरमन व्रत भी हमारे जीवन में आ गया है, अब अंतिम समय हमारे जीवन का आ गया है, हम एक कमरे में हैं, पौषध में हैं, समय के वस्त्रों में हैं, सारी चीजों से हमने निवृत्ति ले ली है, अब बात आती है यहां पर संलेखना की और संथारे की। इसके अनेकों नाम कहे गए हैं, यहाँ संलेखना भी कहते हैं, संथारा भी कहते हैं, आराधना भी कहते हैं, झूसना भी कहते हैं, मरणांतिक भी कहते हैं, और पश्चिम भी कहते हैं, ये अनेकों पर्यायवाची हैं। सबका अर्थ एक ही है कि हमने अपने जीवन पर दृष्टिपात करना है कि अब हमने संलेखना संथारा ले लिया है, कि अब हमने चिंतन करना है, विचार करना है, कि जब से हमने होश संभाली है और आज तक हमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, कितना लोगों को सुख दिया, कितना लोगों का दुख दिया, कितनी हमारे जीवन में नैतिकता आई, कितनी अनैतिकता आई, कितनी प्रमाणिकता आई, कितनी ठगी ठोरियां हमने अपने जीवन में करी है, कितनी आसक्तियों से हमने बांधा है, कितनों को हमने छोड़ा है, कितना हमने मोह किया, कितनी हमने माया की, कितना हमने राग किया, कितने हम प्रलोभनों में उलझे, इन सब बातों का चिंतन करना है कि कितना मैंने धर्म किया, कितना मैंने दान दिया, जो मैंने दान दिया वो आसक्ति से दिया, नाम वरज के दृष्टि से दिया, या केवल अपनी कर्मों की निर्जरा के निमित्त से हमने दान दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें हमने विचारनी है, मन वचन काया से हमने जो जो कर्म बांधे हैं उन सब चीजों को चिंतन में लाना है, और आत्मग्रहा आत्मनिर्जरा करनी है। जब तक आप उन चीजों से मुक्त नहीं होंगे तो आपका संलेखना संतारा ग्रहण करना कोई सफल सार्थक नहीं माना जाएगा। मेरा समय यहां समाप्त होता है, बातें और बहुत सी हैं, आप लोग थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें ताकि हम भी फट्टे पर जल्दी आकर अपने विषय को समाप्त करें, नहीं तो ये शास्त्र अधूरा रह जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि ये अधूरा छोड़कर यहाँ से जाया जाए। अभी तो आनंद का वर्णन कल से या परसों से शुरू होगा कि आनंद का अब समय आने वाला है, अब वो भी प्रभु महावीर से 12 व्रतों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, कहता है कल आप आए, और मैं समय अभाव के कारण ज्यादा समय ना लेता हुआ संलेखना संथारा का विषय में गुरु कृपा से कल हम कुछ और समझेंगे, प्रभु महावीर हमें और क्या समझाना चाहते हैं, आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ समझने का जानने का प्रयास करेंगे। ज्यादा ना कहता हुआ किसी भी गलती के लिए गुरुचरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ निवाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोगगमो वज्ञानं नामो सयासवसिद्धानं यं देवान् विदेवो तन्देवा पञ्जलिनमंसन्ति तन्देव देव मह्यं
सिरसा वंदे महावीरम इको विनामोकारो जिन वर वासयास वध मानस संसार सायराओ तारई नरंगवा नारिंगवा तारई नरंगवा नारिंगवा। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशय वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा प्रदत्त ज्ञान चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर मैं अपनी क्षुद्र सी बुद्धि के माध्यम से ग्रहण किए हुए विचारों के आधार पर आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयत्न करता हूँ। इसी श्रृंखला और सीरीज के अंतर्गत आपको स्मरण होगा कि कल हम उन्नति के मूल मंत्रों के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सृष्टि में यूं तो अपने जीवन काल में सभी मनुष्य जीते हैं, किंतु उनमें से कितने व्यक्ति जीवन को उन्नत बनाकर उसे सबल बना पाते हैं, कितने व्यक्ति जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर मिलता है कि बहुत ही कम और उंगलियों पर गिने जाने लायक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा श्रेष्ठ प्रयास और साधना करने में सफल और कामयाब हो पाते हैं। यद्यपि व्यक्ति 5-10 रुपए खर्च करके भी अगर कोई वस्तु खरीदता है तो उसकी उपयोगिता यूटिलिटी के बारे में विचार करता है, मगर अपने अनमोल और बेशकीमती जीवन की उपयोगिता के बारे में उसे भूल कर भी कोई विचार कोई ख्याल नहीं आता। जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, हमें कौन से कर्तव्य कर्म करने चाहिए जिनसे जीवन निष्फल ना होकर सफल और सार्थक बने, इन बातों पर गंभीरता से चिंतन विरले और रेयर मनुष्य ही कर पाते हैं। प्रश्न उठता है कि आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए। इस विषय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में उद्यम यानी पुरुषार्थ साहस धैर्य बल बुद्धि और पराक्रम ये 6 गुण होते हैं उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि दैवी शक्तियां भी उससे शंकित रहती हैं। ये 6 गुण आत्मिक बल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जिसके बलबूते पर असंभव कामों को भी करना व्यक्ति के लिए मुमकिन और पॉसिबल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है और जीवन का कोई भी लक्ष्य उसके लिए नामुमकिन और असंभव नहीं होता। टेढ़े मेढ़े और दुष्कर प्रतीत होने वाले कार्यों को भी सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल यानी सरल सा कार्य बन जाता है। उन्नति के 2 प्रारंभिक मूल मंत्रों उद्यमशीलता यानी पुरुषार्थ और साहस के बारे में हम कल सविस्तार डिटेल पूर्वक काफी कुछ श्रवण कर चुके हैं। उन्नति का 3रा गुण और क्वालिटी धैर्य को बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन की प्रत्येक स्थिति हर हाल एवरी सिचुएशन में धैर्य रखना आवश्यक लाजमी और अनिवार्य होता है। अनेक व्यक्ति किसी तरंग में आकर किसी काम का आगाज शुभारंभ और श्री गणेश तो कर देते हैं, किंतु शीघ्र ही फल प्राप्त ना हो जाने पर अधीर और निराश होकर उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं और किसी नए काम में अपनी किस्मत आजमाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सफलता और कामयाबी मिलना नामुमकिन और असंभव होता है। महामूर्ख व्यक्ति भी अगर धैर्यपूर्वक सतत पुरुषार्थ करता रहे तो वह कालांतर में
अवश्य ही महापंडित, महाविद्वान और बहुत ऊंचे दर्जे का स्कॉलर बन सकता है, किंतु कुशाग्र बुद्धि, शार्प मेमोरी वाला हर बात को जल्दी ही अपने स्मरण में लाने वाला व्यक्ति अगर कुछ दिनों तक तो हिंदी का अध्ययन करे, फिर उसमें अरुचि हो जाने पर उसे छोड़कर संस्कृत की पढ़ाई प्रारंभ कर दे, थोड़े दिनों बाद उकता कर उसे भी तज कर प्राकृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दे, और थोड़ा वक्त गुजरने के साथ उसमें भी इंटरेस्ट लूज हो जाने पर अंग्रेजी भाषा पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वह व्यक्ति किसी विषय में और किसी भी एक लैंग्वेज और भाषा में निपुणता, महारत, योग्यता, मास्टरी, परफेक्शन हासिल कर सकेगा? नहीं, कदापि नहीं। साधना में विलंब और डिले होते हुए देखकर धैर्य रखना बड़ा कठिन होता है, किंतु अंत में उसका बड़ा ही सुंदर फल परिणाम निकलता है। इसीलिए तो एक प्रसिद्ध प्रोवर्ब और कहावत भी है, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। धैर्य कड़वा होता है किंतु उसका फल अतिशय मीठा होता है, जो व्यक्ति को आनंद, प्रफुल्लता और प्रमोद प्रदान करने का कार्य करता है। साधना के क्षेत्र में भी धैर्य की अनिवार्य रूप से आवश्यकता और जरूरत पड़ती है। साधना के पथ पर चलने वाला, कदम बढ़ाने वाला साधक अगर विघ्न बाधाओं, रुकावटों, अड़चनों, ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस से घबराकर साधना पथ से तनिक भी डावाडोल, विचलित और च्युत हो जाए, तो वह कभी भी साधना में सफलता और कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की। साधना काल में उन्हें कितने ही भयावह कष्टों, परिषहों और उपसर्गों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अनुपम धैर्य के साथ सभी कुछ सहन किया, तभी तो वे साधना का अमित फल प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध ने भी निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवज्ञा और दीक्षा धारण करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्चर्या की। घोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश, दुर्बल और कमजोर हो गया, किंतु तब घबराकर, हौसला छोड़कर, धैर्यहीन होकर उन्होंने साधना के मार्ग को ही छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। वास्तव में असीम धीरज होने पर ही आत्मा परमात्म स्वरूप को हासिल और प्राप्त कर सकती है। महापंडित बोपदेव दक्षिण के प्रसिद्ध यदुवंशी राजा महादेव की सभा के पंडित और शिरोमणि विद्वान थे। बचपन में जब वे अध्ययन और स्टडी किया करते थे, उस वक्त उन्हें संस्कृत व्याकरण, ग्रामर याद नहीं होती थी, जिस कारण उनके गुरु उनसे हमेशा नाखुश और अप्रसन्न रहते थे। अपनी इस कमी के कारण उन्हें समय समय पर पाठशाला में बाकी विद्यार्थियों के सामने लज्जित और अपमानित भी होना पड़ता था। एक बार पाठ याद ना कर पाने की वजह से गुरु ने उन्हें बहुत पीटा। अत्यंत दुखी और निराश होकर वे गहरे जंगल में जाकर एक कुएं के किनारे पर बैठ गए। उनका मन अत्यंत चिंतामग्न, व्याकुल और अशांत हो रहा था। उसी समय एक महिला वहां पर पानी भरने के लिए आई। बोपदेव ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेटेडली उसकी पानी भरने की क्रिया को देखने लगे। उन्होंने देखा कि निरंतर रस्सी की रगड़ से वहां का पत्थर भी घिस गया था और उस पर गहरे निशान बन गए थे। यह देखकर बोपदेव ने सोचा कि जब निरंतर रस्सी की रगड़ से पत्थर भी घिस गया है, तो क्या यह मुमकिन, संभव और पॉसिबल नहीं है कि निरंतर परिश्रम करने से मुझे भी व्याकरण याद हो जाए? अवश्य ही धैर्य पूर्वक लगातार मेहनत और मशक्कत करने से मुझे भी व्याकरण जरूर याद होगा और मैं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा। इसके बाद बोपदेव के हृदय में
अटूट विश्वास हो गया और उन्होंने आवृत्ति पर आवृत्ति यानी रेपिटिशन पर रेपिटिशन करना प्रारंभ कर दिया। अत्यंत आशा और उत्साह के साथ वे संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में प्रगति करने का प्रयत्न करने लगे। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर वे प्रकांड विद्वान उच्च कोटि के पंडित बने और उन्होंने मुग्ध बोध नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ लिखा। इसीलिए तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। संकट और दुख के समय मनुष्य को आरत ध्यान छोड़कर धीरज धारण करना चाहिए। दुख के समय धीरज को त्याग देने से उसका सामना और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। निराशा और दुख पूर्वक हाय हाय करने से कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसे समय में धैर्य पूर्वक स्थिति को सुधारने और इम्प्रूव करने का प्रयत्न करना चाहिए। नीति शास्त्र में इसीलिए तो नीतिकारों ने कहा है, व्यसने वा अर्थ कृच्छ्रे वा भय वा जीवित अंत के विमृंशष्ट स्वया बुद्धिया धृतिमान ना अवसीदति। अर्थात शोक में, आर्थिक संकट में और प्राणांतकारी भय उपस्थित हो जाने पर भी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करता हुआ धीरज हौसला पेशेंस धारण करता है, उसे कभी भी दुख तकलीफ और कष्ट किसी सूरत और किसी भी दशा में भोगना नहीं पड़ता। कोई मुसीबत उसकी जिंदगी के दरवाजे को खटखटाने और नॉक करने का हौसला नहीं कर सकती। सच पूछा जाए तो संकट के समय धीरज धारण करना मानो आधे संकट का निवारण करना है और लड़ाई के समय धीरज रखना आधी लड़ाई जीत लेने के मानिंद है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए किंतु हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम देता है। धैर्यशील व्यक्ति छोटी मोटी विपत्तियों परेशानियों और मुसीबतों से आकुल व्याकुल उत्तेजित एक्साइटेड और अशांत नहीं होता, वह इनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटा रहता है और बड़े से बड़ा संकट भी उसे साधना के मार्ग से च्युत नहीं कर पाता, यानी गिरा पाना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं होता। एक सेठ बड़े ही धर्मात्मा थे, नियमित रूप से धर्म स्थान में जाकर सामायिक ध्यान प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं किया करते थे। एक दिन सेठ जी का इकलौता पुत्र चल बसा और उसके दाह कर्म आवश्यक क्रियाओं में संलग्न होने की वजह से सेठ जी को धर्म स्थान में आने में कुछ विलंब हो गया और जब वे सारे क्रियाकर्म संपन्न करके रोजमर्रा की दिनचर्या के मुताबिक कुछ विलंब से धर्म स्थान में पहुंचे तो वहां पर विराजित धर्माचार्य ने सेठ जी से विलंब और देरी का कारण पूछा। सेठ ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, आचार्य भगवान आज आवश्यक कार्यवश आने में कुछ देरी हो गई है, एक मेहमान बहुत दिनों से आया हुआ था, आज सुबह सवेरे वह चला गया और उसको छोड़ने की फॉर्मेलिटीज औपचारिकताओं में लग जाने की वजह से मुझे आने में कुछ देरी हो गई। यह कहकर वह फिर से अपनी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न हो गए। कुछ देर बाद पांच चार व्यक्ति वहां पर आए और सेठ जी को धर्म साधना में बैठे हुए देखकर कहने लगे, भगवान आज तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। आचार्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भाई क्या घटना घटित हो गई है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तब उन्होंने सेठ जी के इकलौते पुत्र के सुबह सवेरे चल बसने की दुखद घटना उस धर्माचार्य को सुनाई। धर्माचार्य सेठ जी की धीरता के बारे में सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि सेठ जी पुत्र निधन जैसे दारुण भयंकर और कष्टदायक समय में भी धर्म ध्यान को नहीं भूले। अपूर्व साहस और धैर्य का परिचय देकर
आज भी रोजमर्रा की तरह धर्म स्थान में उपस्थित होकर धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान उसी लगन और तन्मयता के साथ संपन्न कर रहे हैं। और आचार्य ने सेठ की धर्म दृढ़ता से प्रभावित होकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयत्न किया, किंतु सेठ जी ने जवाब दिया, भगवान संसार में कौन किसका है, अगर पुत्र मेरा होता तो मुझे छोड़कर जाता ही क्यों, अपने को छोड़कर जाने वाले पुत्र के लिए अगर मैं धर्म ध्यान को छोड़ता हूं तो ऐसा करने से तो ज्यादा हानि और ज्यादा नुकसान होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चा साधक किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोता और तभी वह सिद्धि प्राप्त करने में सफल और कामयाब होता है। सफलता की कुंजी धैर्य ही है। अधीर व्यक्ति सफलता से कोसों दूर चला जाता है क्योंकि वह हिम्मत हार कर अपने मार्ग को ही खो बैठता है। परिणाम यह होता है कि सिद्धि के लिए बहुत कुछ उसके किए हुए प्रयत्नों पर भी पानी फिर जाता है। कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालने जाता है, कल्पना कीजिए, मान लीजिए कुएं की गहराई पूरी 100 फुट है, वह उसमें कमंडल के साथ रस्सी बांधकर उसे नीचे लटका देता है और फिर बाहर रस्सी निकालते निकालते खींचते खींचते 90 फुट रस्सी तो खींच लेता है, किंतु तब भी पानी ना पा सकने पर झल्लाकर अथवा निराश होकर रस्सी के पल्लू को अपने हाथ से छोड़ देता है, तो फिर इस तनिक सी अस्थिरता इन स्टेबिलिटी ऑफ माइंड का क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकलेगा? प्रथम तो यह है कि वह व्यक्ति पानी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा, 90 फुट रस्सी खींचने का पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। और तीसरे, उसे अपने कमंडल से भी रस्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा, जिस वजह से वह कहीं और किसी अन्य कुएं के पास जाकर वहां से भी पानी प्राप्त करने में सफल और कामयाब नहीं हो पाएगा। बंधुओं, इसलिए मानव को कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। अपने मन को ढाढ़स और हौसला बंधाते हुए सदा यही समझाना चाहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली 100 घड़ा पानी डालकर भी अगर किसी पौधे और वृक्ष को सींचता है तो वह इस बात को कदापि भूलता नहीं है कि मौसम अनुकूल होने पर और बसंत ऋतु आने पर ही उस पौधे पर फूल खिल सकते हैं। दे वक्त में और आ समय में तो फूलों के खिलने की, ब्लॉसमिंग की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह धैर्य पूर्वक पेशेंटली पुरुषार्थ और पराक्रम करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता और कामयाबी जरूर कदम चूमने के लिए तत्पर होगी, इसमें कोई संदेह करना उचित नहीं है। उन्नति के लिए चौथा आवश्यक गुण बल को बताया गया है। बल अथवा शक्ति के बिना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्फीयर में उन्नति तरक्की का होना नामुमकिन, असंभव और इम्पॉसिबल होता है। सामाजिक क्षेत्र में कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति होती है वही सर्व साधनों से संपन्न बन सकता है। धार्मिक क्षेत्र में भी शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति के बिना साधना करना असंभव होता है। साधक की मानसिक शक्ति जब असीम होती है तभी वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। कमजोर व्यक्ति तो साधना के क्षेत्र में कदापि सफलता और कामयाबी का वर्णन करने, उसे प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाता। कुछ भी अपने मन के अनुकूल हासिल कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए शक्ति का होना लाजमी, आवश्यक, अनिवार्य
इनडिस्पेंसेबल और इनएविटेबल होता है। युद्ध के अवसर पर सेनापति सैनिकों को ललकारता है, झपटो, शत्रु पर हमला करो, उसके दांत खट्टे कर दो। और इसी तरह एक धर्माचार्य, धर्मोपदेशक अपनी धर्मवाणी श्रवण करने के लिए एकत्रित हुई जनता जनार्दन को प्रेरित करते हुए कहता है कि अपने कसाय आदि आंतरिक शत्रुओं का मुकाबला करके उन्हें पूरी तरह से धूल चाटने के लिए मजबूर और विवश कर दो। दोनों ही शक्ति के द्वारा शत्रुओं से जूझने की प्रेरणा, संदेश और उपदेश दिया करते हैं। शक्ति ही सफलता का मूल है। संसार में जितने भी काम किए जाते हैं उन सब की तह और जड़ में शक्ति ही काम करती है। शक्ति ही जीवन है। शक्ति के बिना जीवन की कल्पना और इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। शक्तिहीन अथवा शक्ति होने पर भी आलसी मनुष्य कभी भी सफल जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसका जीवन ऐसे नखलिस्तान, मरुस्थल और रेगिस्तान की तरह होता है जहां कुछ भी कभी भी उत्पन्न और पैदा नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मनुष्य को ध्यान में रखने लायक है वह यह है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग सत्कृत्य और नेक कामों में करे। देश, समाज और आत्मा के कल्याण के कार्यों में अपनी शक्ति को लगाए। चोरों, लुटेरों और डकैतों का शक्ति प्रयोग मनुष्यों के अकल्याण और उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, किंतु इससे ना तो उनका स्वयं का लाभ होता है और ना दूसरों का भला हो पाता है। यद्यपि अपने साहस और शक्ति से वे अनेकानेक व्यक्तियों पर धाक जमा लेते हैं, किंतु उससे पाप कर्मों के उपार्जन के सिवाय उन्हें और कुछ भी नहीं मिल सकता। इससे तो उनका शक्तिहीन होना ही ज्यादा अच्छा है। भगवती सूत्र जो जैन धर्म के 32 आगमों में सैद्धांतिक दृष्टि से एक प्रमुख ग्रंथ और आगम माना जाता है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य का सबल होना अच्छा है अथवा निर्बल होना उत्तम और श्रेष्ठ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु महावीर फरमाते हैं कि धार्मिक मनुष्य का सबल और ताकतवर होना अच्छा है, किंतु अधर्मी व्यक्ति का कमजोर और दुर्बल होना ही अच्छा और श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कमजोर होने की सूरत में ना तो वह दूसरों को तकलीफ दे पाता है और ना दूसरों को तकलीफ देकर भविष्य में अपनी तकलीफों की भूमिका बनाने का कोई कार्य करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य शक्तिशाली बने किंतु उसे अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं और पर की उन्नति में करना चाहिए, अवनति में नहीं। यदि उसका उद्देश्य अच्छा होता है तो शक्ति का इस्तेमाल भी सही माना जाता है। अतः शक्ति पर नियंत्रण रखते हुए मनुष्य को उसे बुद्धिमानी से नेक कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्धिमानी मनुष्य के मस्तिष्क की शक्तियों की रक्षा करती है। बुद्धिमानी के बिना मनुष्य मूर्ख और डरपोक बना रहता है। वह ना तो अपनी शक्ति को रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है, और ना ही उसका उपयोग और इस्तेमाल कर पाता है। एक बार एक आदमी अपने भतीजे को साथ लेकर किसी घने जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक ही एक चोर उनके सामने आ गया। चोर ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी और चाचा भतीजा दोनों को धमकाया। दोनों अव्वल दर्जे के डरपोक और कमजोर इंसान थे। भय के कारण थर थर कांपने लगे, उनका पसीना छूट गया। चोर ने उनका सारा धन माल लूट लिया और चलता बना। चाचा भतीजा अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आए। जब गांव वालों को इस बात के बारे में पता चला तो वे पूछने लगे, चोर कितने थे जो तुम जैसे पहलवानों को भी लूट कर ले गए? भतीजा तो ना समझ होने की वजह से बोल पड़ा, मैं ते चाचा एकलो, मैं ते चाचा एकलो, चोर ते लाठी तीन, मैं और चाचा अकेले थे, चोर और उसकी लाठी तीन जने
तीन व्यक्ति थे, हम उनका कैसे मुकाबला कर सकते थे? ये ऐसे डरपोक व्यक्ति दुनिया में भला क्या कर सकते हैं? ऐसे निर्बल व्यक्ति कहते हैं कि जब हमारे पास हौसला और साहस ही नहीं है तो हम शत्रुओं को कैसे परास्त करें? वे साधना भाव को अपनी कमजोरी की ढाल और शील्ड बनाने का कार्य करते हैं। जब प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वनवास को चले थे तो उनके साथ कौन सा लाभ लश्कर था? जंगली जानवरों और राक्षसों से भरे हुए जंगल में वे सिर्फ 3 प्राणी, भगवान राम स्वयं, उनके अनुज लक्ष्मण और सीता माता ही तो विचरण कर रहे थे। और जब महाबली राक्षस राज रावण ने हेरा फेरी के साथ सीता का अपहरण कर लिया तो महाबली राक्षस को धूल चटाने के लिए उनके कितने सहयोगी और मददगार थे, किंतु बिना बाह्य सहयोगियों के मनोबल आत्मिक शक्ति के आधार पर ही उन्होंने उस भयंकर संग्राम में भी विजय श्री प्राप्त की। इसीलिए तो कहा जाता है, विजय तव्या लंका चरण तरणियो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यो रणभुवि सहयाश्च वानर तथापि एक्येको सकल अवधित राक्षस कुलम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतो नोप करने। अर्थात अकेले राम वानरों की सहायता से समुद्र को पार करके लांग करके लंका को जीत लेते हैं और संपूर्ण राक्षस कुल का संहार और वध कर देते हैं। इससे साबित और प्रूव हो जाता है कि कार्य की सिद्धि अपने ही बल, अपनी शक्ति और अपनी ताकत के बलबूते पर होती है। बाह्य साधनों और उपकरणों के आधार पर कामयाबी प्राप्त करना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं है। किसी व्यक्ति में अगर मनोबल और शारीरिक बल ना हो तो उसके हाथ में लाठी, तलवार, बंदूक, रिवाल्वर, क्लाश्निकोव राइफल, मशीन गन आदि भयंकर हथियार पकड़ा देने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वक्त आने पर चूंकि उसमें साहस और हौसला नहीं है तो इन हथियारों का प्रयोग करना भी उसके लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। वास्तव में जिस व्यक्ति में अपनी शक्ति, अपनी ताकत नहीं होती, समझ लीजिए देवराज इंद्र भी उसे शक्ति और पावर देने में कदापि सशक्त और समर्थ नहीं होते। सच्ची शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तो आत्मा के अंदर से ही प्राप्त होती है। आत्मविश्वास शारीरिक शक्ति से बढ़कर है। मनुष्य तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकता जब तक कि वह दृढ़ता पूर्वक इस बात को हृदयंगम ना कर ले कि मैं विश्व के महान तत्व का एक अंश हूँ, अनंत विभूता का अधीश्वर हूँ। बंधुओं, सार और जिस्त की मात्र बात मात्र इतनी है कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता और रिकॉग्नाइज करता है वह आत्मा की अनंत शक्ति को भी पहचानता है। वैदिक दर्शन में इसीलिए तो कहा गया है, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात जो बलहीन है वह कभी भी आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। जैन दर्शन अथवा समस्त आस्तिक भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष, यानी आत्मा से परमात्मा बन जाना, सारे कर्मों के बंधनों को खोलकर निजाद मुक्ति और परम पद कर्म रज से निवृत्ति की स्थिति और अवस्था को प्राप्त कर लेना। बंधुओं, आपने सहनन का नाम अवश्य सुना होगा। जैन परंपरा में 6 सहननों का जिक्र और वर्णन आता है। सहनन का अर्थ है हड्डियों का निचय अथवा रचना विशेष। इनमें से एक सहनन वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहा जाता है। जो व्यक्ति इस सहनन का धनी होता है उसकी हड्डियां वज्र की सी सुदृढ़ और मजबूत होती हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किंतु अगर वह अपनी शक्तियों का मिसयूज और दुरुपयोग करता है तो
वह सातवें नरक में जाने की भूमिका तैयार कर लेता है और ऐसी पतित अवस्था तक पहुंचने में भी सक्षम और समर्थ हो जाता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि मुक्ति हासिल करने प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में मनोबल और शारीरिक बल दोनों प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। शारीरिक शक्ति के बलबूते पर व्रत, उपवास, तपश्चरण, यम, नियम आदि साधना के विभिन्न अंगों का यथाविधि पालन किया जा सकता है और मानसिक शक्ति के बलबूते पर ही क्रोध, अहंकार, लोभ, कपट, ईर्ष्या, विद्वेष आदि आंतरिक शत्रुओं, भीतरी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना मुमकिन और संभव हो सकता है। संक्षेप में सार यही है कि साधक को तन और मन दोनों की शक्तियों का सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी वह सारे कर्मों का क्षय करके सारे कर्मों के बंधनों को खोलकर, कर्मों की गांठों को खोलकर मुक्ति प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम और समर्थ होता है। बंधुओं, आज के वक्तव्य का जिस्ट और सारांश मात्र इतना है कि लौकिक और अलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति, तरक्की, प्रगति और अभ्युदय करने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले धैर्य और तदनंतर बल यानी मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को प्रचुर मात्रा में अवधान करने का, अपने जीवन में प्रतिष्ठित और स्थापित करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। उन्नति के दो अन्य सूत्र मनीषियों द्वारा अन्य वर्णित किए गए हैं, जिनके बारे में हम गुरु कृपा से कल के प्रवचन में कुछ विशेष सा विस्तार श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। बस घड़ी की सुइयों को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।